नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। इस समय सावन के महीने में सावन का मेवा नाम से मशहूर केथल की फिरनी मिठाई की धूम है। हर दुकान पे शहर के बाजारों में फिरनी की मिठाई सजी मिलेगी। देश विदेशों में लोगों द्वारा अपने दोस्तों रिश्तेदारों को उपहार के रूप में भेजी जाती है फिरनी की मिठाई। आप देख रहे हैं केथल पल पल से नवीन मल्होत्रा की ये रिपोर्ट। दोस्तों, आपने मिठाइयों के नाम बहुत सुने होंगे, लेकिन हम आपको दिखाने जा रहे हैं आज फिरनी की मिठाई, यानी केथल की मशहूर फिरनी की मिठाई, जो कि पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक मशहूर है। सावन का मेवा नाम से मशहूर केथल जिला के फिरनी की मिठाई की आजकल पूरे शहर में धूम है। बाजार में हलवाई की दुकानों पर फिरनी की मिठाई हर जगह सजी हुई मिलेगी और दुकानों पर सारा दिन ग्राहकों की भारी भीड़ दिखाई देती है। बाजार में हलवाइयों ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए फिरनी की मिठाई के रंग बिरंगे बैनर लगाए हुए हैं। सावन माह के शुरू होने से पहले और अभी भी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन हलवाइयों और कारीगरों द्वारा जून माह में ही फिरनी की मिठाई बनानी और बेचनी शुरू कर दी है। मैदा, घी और चीनी से बनाई जाने वाली यह फिरनी की मिठाई बेहद ही स्वादिष्ट होती है। जब सावन माह में सभी मिठाइयों की जल्द से जल्द सीलन हो जाती है, तब सावन की माह में इस फिरनी की मिठाई का काम शुरू होता है और जितनी ज़्यादा हवा में नमी होगी, इसका जायका काफ़ी बढ़ जाता है। ऐसा कहना कि यदि कोई इस मिठाई का स्वाद ले लेता है, तो वह साल में हर सावन के महीने में केथल की इस मिठाई को ज़रूर मंगवाता है। अनेकों वर्ष पहले केथल के मशहूर हलवाई मोतीराम भगवान दास ने इस फिरनी की मिठाई को शुरू किया था और अब इसके परिवार के सदस्य इस काम को जोरों शोरों से आगे लेकर बढ़ रहे हैं। इस परिवार के हलवाई काकू, जो कि यहाँ के मुख्य हैं, इनसे हमने जब बात की तो उन्होंने बताया कि यह मिठाई सावन माह का मेवा है। अनेकों वर्षों से यह परंपरा है कि सावन माह में आने वाले तीज त्यौहार पर लोग अपनी बहन बेटियों आदि को भेजते हैं। इतना ही नहीं, केथल के आसपास के लोग केथल की इस फिरनी को देश विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों दोस्तों आदि को उपहार के रूप में भेजते हैं। काकी हलवाई ने कहा कि फिरनी की मिठाई का स्वाद बेहद निराला होता है और बरसात के आने में यह और काफ़ी मुलायम हो जाती है। उन्होंने कहा कि यह मिठाई बाजार में बिकने वाली अन्य मिठाइयों से काफ़ी सस्ती भी है। केथल के बाजार में फिरनी की मिठाई से सजी एक दुकान मालिक ललित कुमार और ग्राहक सोनू ने कहा कि आजकल केथल के बाजारों में चारों ओर फिरनी की ही दुकानें सजी हुई मिलेंगी और सुबह से लेकर के शाम तक ग्राहक भारी मात्रा में फिरनी के डिब्बे पैक करवा के ले जाते हैं। उन्होंने कहा कि केथल की फिरनी देश विदेश और सभी बड़े बड़े शहरों में मशहूर है। सावन माह का मेवा के नाम से मशहूर ये फिरनी 3 महीने तक बड़ी डिमांड रहती है इसकी। उन्होंने बताया कि सावन माह में बहन बेटियों व उनके पास आने जाने वाले कोथली के रूप में इस मिठाई को लेकर के जाते हैं। तीज, राखी और जन्माष्टमी के त्यौहार पर फिरनी की मांग और ज़्यादा बढ़ जाती है। जून से अगस्त माह तक केथल में आने वाले लोग यहां से इस मिठाई को खरीदकर जरूर लेकर के जाते हैं। फिरनी मिठाई वास्तव में ही सावन का मेवा के रूप में देश विदेशों में अपनी ख्याति प्राप्त कर चुकी है। दोस्तों, इसी तरह से हम नई नई वीडियोस और नई नई कहानियां आपके पास लेकर के आते रहेंगे। बस देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद। ये हवा में नमी होती है, इन दिनों में मॉइस्चर पूरा होता है हवा में और ये उससे ही तैयार होती है, मुलायम होती है। वैसे तो 12 महीने पूरे हिंदुस्तान में फिरनियाँ मिलेंगी, लेकिन कैथल के अंदर मीठी फिरनी कैथल में ही मिलेगी और ऐसे मुलायम लच्छेदार फिरनी वो सावन में ले दी जाती है सभी के यहाँ। लड़कियों को देते हैं या बहुएँ हैं उनको देते हैं, नई नई शादियाँ होती हैं उनमें दिया जाता है। तो हमारे यहाँ तो ये बाप दादाओं से, पूर्वजों से यही चली आ रही है रीत और हम उसी तरीके से आज भी बना रहे हैं। जब भी उसी तरीके से बनाते थे, हमारा विश्वास ज़्यादा करते हैं क्योंकि हमने तरीका नहीं बदला, वही साफ़ सफाई तरीके से, अच्छे तरीके से बनाना और अच्छी से अच्छी क्वालिटी बनानी। सावन के महीने के अंदर ही आती है, जैसे कि लोग कहीं लड़कियों को बहुओं को अपने बोइए के रूप में दिया जाता है इस चीज़ को, और ये कोथली के नाम से भी कहा जाता है इसको, कि कोथली के दिया जाता है सावन के महीने के अंदर। बहुत फेमस चीज़ है कैथल के अंदर, पुंडरी की चीज़ काफ़ी फेमस है ये फिरनी और घेवर, और ये बहुत दूर दूर तक जाता है, ऑल वर्ल्ड, ऑल इंडिया, हर जगह पर इसकी बहुत बहुत पब्लिसिटी है और बहुत ही पॉपुलर है चीज़ ये वाली। और हर
हाँ जी हाँ जी, हर इंसान सबसे ज़्यादा ये फिरनी जो है बहुत ज़्यादा ही बाहर बहुत जाती है, पंजाब हरियाणा हिमाचल यूपी हर जगह जाती है, फॉरेन कंट्री तक ये चीज़ जाती है। तो क्या ये बहुत सावन का बहुत हसीन तोहफा कहा जाता है इस चीज़ को, और बहुत ही ज़्यादा ही लोग इसको लाइक करते हैं इस चीज़ को, हर चीज़ इस टाइम ये फिरनी और गेहूँ सबसे ज़्यादा मिठाई के रूप में सबसे ज़्यादा चीज़ बहुत दूर दूर से आते हैं लोग, पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश कहीं दूर से आते हैं, उड़ीसा एंड आदि आंध्र प्रदेश, सावन के महीने में ये चालू होता है बस। तो क्या चीज़ ले लो, रसगुल्ले आइटम से सस्ती है।